हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना एंजाइम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, कल टेस्ट भी हो गया। कुछ ही बच्चों ने मुझे कॉपी करके दिया। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है 11th चैप्टर, श्वसन या रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने को एक चीज़ डिस्कस करनी है। हालांकि मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि जो रेस्पिरेशन है, तो वो रेस्पिरेशन जो भी लिविंग है, क्योंकि तो कई बार ये पूछा जाता है, तो जितने लिविंग हैं उन सब लिविंग या जीवित जितने भी हैं, चाहे पेड़ हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, सब में जो है ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे भी रेस्पिरेशन है जो विदाउट ऑक्सीजन भी होता है, तो अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात कि रेस्पिरेशन किया क्यों जाता है, ठीक है? तो ये भी पूछा जाता है भाई, रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं और उसमें ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जब आपने इसका एनिमल्स वाला करा था, तब आपको मैंने ये चीज़ें बता दी थी कि हम हमारे पास में जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे पास में फूड है, उस फूड को ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है बर्निंग में और ऑक्सीडाइज करती है किसी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उसको सिंपल करने में, और उससे एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा मेन रीज़न है, चाहे प्लांट हो चाहे हम हो, सब में मेन यही है जिससे कि रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि ये जो रेस्पिरेशन है, ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, माइट्रोकॉन्ड्रिया के थ्रू ये प्रोसेस होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, टू टाइप्स मैंने यहाँ लिखा है, ऑक्सी रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में होता है, और दूसरा है एनऑक्सी यानी कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। यहाँ पे देखो, मेन चीज क्या है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और बन रही है, एथिल अल्कोहल। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो C2H5OH, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल बन रहा है। अब वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो एनर्जी वाइज यहाँ पे एक ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, जबकि यहाँ पे कितनी मिल रही है, केवल 56 किलो कैलोरी। तो ये डिफरेंस है, और ये नुकसान भी है कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये काम हो रहा है, काम तो हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, लेकिन एनर्जी वहाँ पर नहीं मिल रही। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि अक्सर आपके दिमाग में आता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहली बात कि रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, कहाँ होता है, और जैसे ऑक्सीजन से क्या फायदा है और बिना ऑक्सीजन के क्या फायदा है, तो ये इसमें करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट या श्वसन के क्रियाधार। कि हमारे पास में, अभी आपने 11 में पढ़ा भी है बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर, तो उसमें है कि सबसे पहले हमारे पास में, अब दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो होता है कि हमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, और दूसरा आता है कि अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किससे मिलती है। तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखें, और ये मान के चलिए कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे फूड में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हमारे जो फूड है, बैलेंस जो फूड है, उस फूड में सबसे ज़्यादा अगर हम क्वांटिटी देखें या रेशियो हम देखें, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और वहीं पे अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो फैट जो है उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान करके चलना है। तो हमारा जो फूड है, उस फूड में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको पता है कि 6 जो है न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, वाटर है, विटामिन्स हैं, तो ये हमारे फूड में इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों से जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले जो है वो किससे
किसका किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसके बाद में प्रोटीन का, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो ब्रेक डाउन किया जाता है वो किसका किया जाता है, फैट का किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट भी रखा है, क्वेश्चन भी यही है कि ब्लैक मैन ने जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का जो क्या कहना चाहिए ब्रेक डाउन है, उस ब्रेक डाउन को उन्होंने फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या प्लावी श्वसन कहा था। जबकि अगर प्रोटीन का होता है तो प्रोटीन को उन्होंने प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन या जीव द्रव्य श्वसन कहा। तो ये एक छोटे से क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है टाइप्स। टाइप्स अभी आपको मैंने बताई दिए, ऑक्सी और अनऑक्सी, एरोबिक और एनएरोबिक। अब यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है कि जो ऑक्सी श्वसन है वो श्वसन जो है सबसे ज़्यादा, अगर आप उसको प्लेस वाइज देखते हो तो प्लेस वाइज में हमारी जो सेल है उसमें आधा जो प्रोसेस है वो तो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और आधा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि एनएरोबिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाता, उससे पहले ही जो है साइटोप्लाज्म में हो जाता है, इसलिए वहाँ पर इतनी एनर्जी नहीं आती है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो अपन थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी दे रखा है, तो डिफरेंस आप बाद में कर लेना कि पता है एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन की, यहाँ पे जो है आपको जितने यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें तो आपको ऑक्सी मिलेगा, और जो प्रोकैरियोटिक हैं या कभी बाय एक्सीडेंट भी जो है ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद में अगर आप एनर्जी का देखते हो तो ऑक्सी में 686 मिल रहा है जबकि यहाँ पे 56 ही मिल रहा है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद में अगर आप ब्रेक डाउन देख रहे हो तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में हो रहा है, जबकि यहाँ पे पहले अल्कोहल बन रहा है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। अब अपन करते हैं श्वसन स्थल या साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अब साइट ऑफ रेस्पिरेशन में जैसे आपने पढ़ रखा है कि हमारी जो सेल है उस सेल का पावर हाउस, आप लोगों ने 11 में पढ़ चुके हो पावर हाउस। पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आप स्ट्रक्चर 11 में पढ़ चुके हो कि ये सबसे पहली बात तो इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर की आउटर लेयर है, अंदर इनर लेयर है, और जो अंदर वाली लेयर है वो लेयर थोड़ी सी अंदर फिंगर लाइक जो उंगली जैसे उसमें प्रवर्ध दिखाई देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी के ऊपर जो है ऐसी माचिस की जो तीली होती है मैच स्टिक, उस तरीके से आपको दिखाई देती है, और उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, उसमें आप देखिए। अब इसके जो बीच में इसमें फ्लूड भरा हुआ है, और उस फ्लूड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया स्वेत्साई या अर्ध स्वेत्साई जिसे बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका खुद का जो है आरएनए डीएनए होता है, और जरूरत पड़ती है तो ये अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है, अपनी नंबर को बढ़ा सकता है। तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि जो है अपनी जनरेशन को बढ़ा सकती है, क्योंकि इनके खुद के पास क्या होता है, इनके पास होता है। तो अब देखो इसमें ये इसमें हो गए। फिर उसके बाद में जो ये ऑक्सीसोम्स हैं वो ऑक्सीसोम हैं जो कि एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल है। अब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जितनी चीज़ें जैसे अपने नॉर्मल सेल्स में मिलती हैं वो वाली सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। साइटोप्लाज्म भी है, उसके अलावा राइबोसोम्स भी हैं इसमें, फिर उसके बाद में आरएनए डीएनए भी हैं, एटीपी वगैरह भी है। तो ये सारी जो इसका मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रक्चर अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की होगी। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ऑक्सी रेस्पिरेशन है उस ऑक्सी रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको इम्पॉर्टेंट भी है, और यहाँ पे फिर साइकिल आएगी, और वो साइकिल आपको इसमें याद भी करनी है। अब देखो
अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीश्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखो तीन स्टेप हैं इसकी, एक है ग्लाइकोलिसिस, हिंदी में भी इसको ग्लाइकोलिसिस ही बोलेंगे, दूसरा है एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए, और थर्ड है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल। तो ये तीन यहाँ पे स्टेप आएंगे, या ये मान के चलिए कि तीन यहाँ पर केमिकल प्रोसेस आएगी। अब इसमें जो अगर अपन वैसे देखें तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपको पता है 6 कार्बन होता है, और ये डिवाइड होता है 2 पाइरुविक एसिड में, और पाइरुविक एसिड क्या है 3 कार्बन। तो एक ग्लूकोज से आपको 2 पाइरुविक एसिड मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, यानी जो ग्लूकोज है उसका टूटना, और 6 कार्बन 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूटेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस ये हो गया। अब क्या है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये आपको जगह जरूर ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इतने सारे साइकिल हैं कि ये साइकिल कहाँ पर होता है, तो प्लेस इसकी क्या है, साइटोप्लाज्म। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे अगर हम मानते हैं क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले पाइरुविक एसिड 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और बना देता है एसिटाइल को एंजाइम ए 2 कार्बन वाला। क्यों होता है, क्योंकि इसको जब क्रेब्स साइकिल में ये एंटर करेगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एंटर करेगा, तो एंटर करते समय इसको 4 कार्बन कंपाउंड मिलेगा, मैलिक एसिड मिलेगा। तो उस समय इसका अगर यहाँ 3 कार्बन होगा तो यहाँ पे कोई 7 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता है, इसलिए पाइरुविक एसिड को इसमें एंटर करने से पहले 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी पड़ेगी और ये 2 कार्बन कंपाउंड में बन जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस होगा। फिर तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्रेब्स साइकिल है, और यहाँ आते आते पूरा जो है एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी, क्रेब्स साइकिल में। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो 3 स्टेप आपको यहाँ पे याद करने। अब यहाँ पे देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। अब ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इसमें 10 स्टेप है, तो मैं ये आपको डायग्राम दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको देखोगे। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ आपको, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग ही अपन इसको करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। फिर यहाँ पे देखो इसका एक नाम और है EMP पाथ, यानी कि ये 3 साइंटिस्ट के नाम है, एक है जी एम्बेडन ई से, फिर है ऑटो मेयरकॉफ, ये एम से हो गया, और फिर है जे पार्नस। तो ये इन 3 ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसका नाम क्या लग दिया, EMP पथ, ठीक है, या ए पाथ। तो अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 है, तो आपको जब आप याद करोगे तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसमें 10 स्टेप्स हैं और 10 ही चीज इसमें बनेगी, तो उस हिसाब से आप इसको करते हुए चलोगे। जो फर्स्ट स्टेप है अपन स्टार्ट किससे कर रहे हैं, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है ATP इसमें ज्वाइंट होगा, और ज्वाइंट होने के बाद बनेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और 6-फॉस्फेट में अब क्योंकि अब आपको एंजाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि अपन यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, जब ATP जुड़ता है तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम आता है, और क्योंकि 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोकाइनेज, तो यहाँ पे ATP हो रहा है। और अगर अपन कैटलिस्ट देखें तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम आयन। फिर उसके बाद में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रेक्टोज 6-फॉस्फेट में, तो ये क्या हो गया, आइसोमरेज हो गया, क्योंकि ग्लूकोज भी 6 कार्बन है और फ्रेक्टोज भी 6 कार्बन है, तो यहाँ पे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम है जो ग्लूकोज को फ्रेक्टोज में चेंज कर देगा। उसके बाद में वापस से ATP जुड़ रहा है और ये हो गया फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो ये डाई हो गया। फिर उसके बाद में देखो अब यहाँ से ब्रेकडाउन चालू हो रहा है, एल्डोलेज एंजाइम है, और ये एल्डोलेज एंजाइम 6 कार्बन वाले कंपाउंड को 2 में डिवाइड कर रहा है। एक तो अपने पास क्या है, 3-PGAL, आप अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, 3-PGAL प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, इस तरीके से आप इसको कर लोगे, DHAP जो है
डाई है तो इसलिए डाई, फिर एच ए पी, तो ये दो तीन कार्बन वाले कंपाउंड फ्रक्टोज से चेंज हो रहे हैं। अब पीजीएल है और डीएचएपी है, ये दोनों रिवर्सिबल हैं, एक दूसरे में बहुत जल्दी बदल जाते हैं, तो डीएचएपी तुरंत किस में बदल जाएगा, पीजीएल में। तो यहाँ पे हमें एक की जगह अब दो पीजीएल मिल गए। तो ये जो टू मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ से देखो उससे पहले फ्रक्टोज तक तो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हो गए, कौन से, 1,3-diphosphogreaseldehyde, थ्री कार्बन, फिर यहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन होगा। और ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं जब आपको एनर्जी काउंट कराऊंगी तब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एक NADH2 निकला और ये किसमें बदल गया, 1,3-diphosphogreaseric एसिड में, यानी कि PGA में। पहले क्या था, PGAL में था, अब ये किस में बदल गया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में। फिर उसके बाद में देखो टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और चेंज होने के बाद में सिर्फ क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीन की जगह दो पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद में फॉस्फोग्रिसलिक एसिड यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद में जो है टू फॉस्फो या टू पीजीए, और ये जो पीजीए है ये पीजीए एनोलेज एंजाइम में किसमें बदल जाएगा, पैप में, फॉस्फो पाइरुविक एसिड में। फिर उसके बाद में पाइरुविक एसिड में बन जाएगा, तो यहाँ पे टू एटीपीज यहाँ पे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरी प्रोसेस है, आपको 10 स्टेप दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे करोगे। अब ये देखो इसकी सारी चीज़ें, लेकिन अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अपने को लास्ट में बताना है कि एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो 38 ATPs मिलेंगे, उसमें से 8 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, जैसे अगर अपन स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो 2 ATPs यहाँ पे काम आ रहे हैं, तो ये माइनस होंगे, लेकिन जब अपन नीचे जा रहे हैं तो 2 NADH2 बनता है, और 1 NADH2 3 ATP के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ दो हैं तो कितने हो गए, 6। फिर उसके बाद में 2 ATPs नीचे बन रहे हैं, ठीक, तो 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गए, तो 4 आपको ATPs नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 10, 6 ऊपर और नीचे कितने हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए, लेकिन इन 10 में से अपन 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अपने पास में 8 ATPs मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। या बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करना, और लास्ट में आपके पास में पूरी एक प्रोसेस दी हुई है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 2 ATP यूज करता है, और उसके बदले में जो है हमें 8 ATPs का प्रॉफिट होता है। तो ये आज आपकी ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस हो गई है। अब ये प्रोसेस जो है आप मुझे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस और ये वाली जो है ये लिख के बताओगे, ताकि मुझे रहे, क्योंकि ये जब तक आप सीधे सीधे करते रहोगे तब तो ये आपको याद रहेगी, वरना ये याद नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।